नमस्कार दोस्तों, मिशन कलेक्टर के इस वीडियो ब्लॉग में जिसमें हम लोग यूपीपीसीएस 2018 के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का आदर्श उत्तर लिखने में किन बातों को ध्यान में रखना है इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज मैं धर्मनिरपेक्षता से संबंधित आए हुए प्रश्न पर कुछ चीज़ों की या प्रश्न के आदर्श उत्तर के बिंदुओं पर आपसे बातचीत करूंगा। यूपीपीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में एक सवाल आया, धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में ओरिएंटेशन और सेटअप प्रैक्टिस के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है, विवेचना कीजिए। यह धर्मनिरपेक्षतावाद पर एक ऐसा सवाल है जो उदारवादी लोकतांत्रिक भारत से जोड़कर पूछा गया है। किसी भी ऐसे सवाल को हल करते समय आपको यह देखना चाहिए कि क्वेश्चन में टू की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जिनके बीच में इंटर रिलेशन की बात की गई है। जैसे इस क्वेश्चन में एक की कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म और दूसरा की कॉन्सेप्ट है उदारवादी लोकतांत्रिक भारत। यहां पर उदारवादी लोकतांत्रिक भारत एक राज्य का सिद्धांत है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न में धर्मनिरपेक्षतावाद और उदार लोकतांत्रिक भारत के बीच के संबंध पर सवाल पूछा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि उदार लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए, मतलब राज्य का जो स्वरूप है भारत में वह उदार और लोकतांत्रिक है, इस स्वरूप के लिए धर्मनिरपेक्षतावाद का होना अपरिहार्य है, इनडिस्पेंसिबल है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि अपरिहार्य कारणों से मैं मीटिंग में नहीं आ सका, इनडिस्पेंसिबल रीजंस, मतलब ऐसे रीजंस जिनको आप टाल नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर सेकुलरिज्म और लिबरल डेमोक्रेटिक इंडिया एज ए स्टेट, इन दोनों के बीच में एक सवाल पूछा गया है। और इस सवाल में एक और खास बात है, धर्मनिरपेक्षतावाद के सिद्धांत के बजाय उन्मुखता और व्यवहार के बारे में, मतलब हम धर्मनिरपेक्षतावाद को एक सिद्धांत के रूप में ले सकते हैं और धर्मनिरपेक्षतावाद को व्यवहार और बर्ताव की प्रक्रिया के रूप में भी ले सकते हैं। तो इसमें ये कहा, इसमें जो क्वेश्चन है वह धर्मनिरपेक्षतावाद के राजनीतिक सिद्धांत पर नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करेंगे तो आप शुरुआत यहीं पर, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में धर्मनिरपेक्षतावाद क्या है। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में धर्मनिरपेक्षतावाद धार्मिक वर्चस्व और धार्मिक कट्टरता को नकारने वाला सिद्धांत है। रिलीजियस हेजिमोनी या एक धर्म के ऊपर दूसरे धर्म का वर्चस्व और धार्मिक कट्टरता को नकारने वाला सिद्धांत है। और जब हम लोग यहां पर धार्मिक वर्चस्व को या धार्मिक कट्टरता को नकारने की बात करते हैं तो ये दो प्रकार की होती है, एक धर्मों के बीच की, दूसरा धर्म विशेष के भीतर की। धर्मों के बीच में जो वर्चस्व होता है वह जैसे हिंदू धर्म के लोगों ने मुसलमानों को दंगों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या मुसलमानों ने हिंदुओं को दंगे में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये धर्मों के बीच का वर्चस्व है, इसको अंतरधार्मिक वर्चस्व भी कहते हैं। और एक होता है कि उच्च जाति के हिंदुओं ने दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका, ये धर्म विशेष के भीतर का वर्चस्व है। एक सिद्धांत के रूप में
धर्म निरपेक्षतावाद धार्मिक वर्चस्व को, चाहे वह धर्मों के बीच में हो या धर्मों के धर्म विशेष के भीतर हो, को नकारने वाला सिद्धांत है। और इसके साथ ही एक बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि ये नकारने के लिए इसमें ये कहा जाता है कि रिलीजन में और स्टेट में या तो पूरी तरह से एक डिस्टेंस हो जाए या फिर प्रिंसिपल डिस्टेंस हो जाए। तो राज्य और धर्म के बीच में दूरी या अलगाव का जो सिद्धांत है वह इसीलिए प्रतिपादित किया जाता है क्योंकि अगर राज्य किसी धर्म विशेष को राजकीय धर्म के रूप में प्रोत्साहन देगा तो ऐसी स्थिति में वह दूसरे एक धर्म के लोगों के वर्चस्व को, एक धर्म के लोगों के कट्टरता को भी प्रोत्साहित कर सकता है। और इसीलिए धर्मनिरपेक्षतावाद का प्रत्येक सिद्धांत राजनीतिक तौर पर धर्म और राज्य के बीच में अलगाव की बात करता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है। दरअसल एक धर्मनिरपेक्षतावाद का सिद्धांत पर धर्मनिरपेक्षतावाद का जो सिद्धांत है उसमें कुछ सकारात्मक बातें भी होती हैं। और कोई राज्य तब तक धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके लक्ष्य जो हैं वह गैर धार्मिक न हो। अगर किसी राज्य का लक्ष्य धार्मिक है तो वह कभी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं हो सकता। तो एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में धर्मनिरपेक्षतावाद धार्मिक वर्चस्व को नकारने, धार्मिक कट्टरता को नकारने, चाहे वह धर्मों के बीच के वर्चस्व हो या धर्म विशेष के भीतर के वर्चस्व हो, उनको नकारने वाला सिद्धांत है। दूसरी बात यहां पर यह कि इस सवाल में धार्मिक धर्मनिरपेक्षतावाद के व्यवहार के बारे में पूछा गया है कि उन्मुखता के संदर्भ में, व्यवहार के समुच्चय के रूप में धर्मनिरपेक्षतावाद उदार लोकतांत्रिक भारत के लिए जरूरी है, उदार लोकतांत्रिक भारत के संदर्भ में जरूरी है। जब आप इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक वर्चस्व और कट्टरता को नकारने वाला सिद्धांत है। लेकिन जब हम व्यवहार में धर्मनिरपेक्षतावाद की बात करते हैं तो यह कुछ मूल्यों को, कुछ विचारों को व्यवहार और बर्ताव में अपनाने से जुड़ा हुआ है। जैसे जो सार्वजनिक मामले हैं उन सार्वजनिक मामलों को धार्मिक नजरिए से न देखा जाए, भेदभाव का व्यवहार न किया जाए, लोगों के बीच में, चाहे उनके बीच धार्मिक समुदायों का अंतर हो, अलग अलग धर्मों के लोग क्यों न हो लेकिन उन्हें बराबर माना जाना चाहिए, लोगों की जो आजादी है उस आजादी को स्वीकार किया जाना चाहिए और वह आजादी धार्मिक, राजनीतिक, नागरिक किसी भी प्रकार की हो सकती है, समाज में समुदायों के बीच शांति होनी चाहिए, समाज में सहिष्णुता होनी चाहिए, सहिष्णुता के मूल्य को अपनाया जाना चाहिए। तो व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उन्मुखता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षतावादी जो उन्मुखता होती है वह सार्वजनिक मामलों को धार्मिक दृष्टिकोण से देखने से मना करती है। जैसे अगर आप पोलियो ड्रॉप पिलाने को धर्म से जोड़ रहे हैं तो आप चिकित्सा या स्वास्थ्य के मसले को धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं और धर्मनिरपेक्षतावाद इस चीज को भी मना करती है। अगर आप टैक्स लगाने को धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं तो धर्मनिरपेक्षतावाद टैक्स को सार्वजनिक मामला कहकर, धर्म को निजी मामला बताकर ऐसे किसी भी धार्मिक टैक्स को लगाने का विरोध करेगी जो धर्म के आधार पर हो। तो यहां पर यह उन्मुखता की बात है। इसके साथ ही व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में धर्मनिरपेक्षतावाद भेदभाव नहीं करने, बराबरी की बात करने या लोगों के बीच, समुदायों के बीच और समुदाय
व्यक्तियों के बीच बराबरी, आजादी के मूल्य, शांति का मूल्य और सहिष्णुता के मूल्य से जुड़ी हुई है। यहां सवाल यह है कि यह कैसे वास्तव में उदार लोकतांत्रिक भारत के भविष्य से जुड़ जाती है। यहां पर एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि जो उदारवादी विचार है, उस उदारवादी विचार के केंद्र में राज्य और नागरिक समाज के बीच में अंतर करने की बात हमेशा मौजूद रही है। और इसका यह मतलब हुआ कि जैसे क्लब है, चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, ये नागरिक समाज की संस्थाएं हैं। राज्य को इनसे अलग होना चाहिए। राज्य और नागरिक समाज के बीच में अलगाव की बात की जाती है और धर्मनिरपेक्षतावाद भी अपनी उन्मुखता में कहती है कि सार्वजनिक मामलों को धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अब अगर हम एक राज्य के सिद्धांत के दृष्टि से ये देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 अस्पष्ट रूप से कहता है कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यहाँ इसका मतलब क्या है कि राज्य और नागरिक समाज के बीच में एक अलगाव की बात कही गई है। इसलिए भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद दरअसल उदारवादी सिद्धांतों को अभिव्यक्त करते हैं। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत चिंतित था, इसलिए उदार लोकतांत्रिक जो राज्य होते हैं उनको हमेशा राज्य के ताकतवर होने से डर लगता है, सरकार के बहुत मजबूत होने से डर लगता है, और वह डर ये होता है कि कहीं मजबूत सरकारें व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण न कर दें। इसीलिए उदारवादी लोकतांत्रिक जो राज्य हैं वह राज्य और नागरिक समाज के बीच में डिफरेंस करते हैं। और भारतीय संदर्भ में भी आप देखेंगे तो भारतीय संदर्भ में अनुच्छेद 27 जिसमें धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए टैक्स लगाने से मना किया गया है, अनुच्छेद 28 जिसमें राज्य के द्वारा पूरी तरह से बनाई गई चलाई जाने वाली राज्य से पूर्णतः वित्त पोषित जो संस्थाएं हैं जिनको राज्य ही स्थापित करता है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा, कोई भी धार्मिक प्रार्थना वगैरह नहीं की जा सकती। तो उदारवाद का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य और नागरिक समाज के बीच में डिफरेंस करता है और राज्य और नागरिक समाज के बीच में एक सेपरेशन करता है। और ये सेपरेशन हम धर्मनिरपेक्षतावाद के सिद्धांत में भी देखते हैं कि सार्वजनिक मामलों को और व्यक्ति के धार्मिक मामलों को अलग रखा जाना चाहिए। इस तरह से अगर हम धर्मनिरपेक्षतावाद को नहीं मानेंगे तो हम उदार लोकतांत्रिक जो राज्य का सिद्धांत है उस राज्य के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर एक देश में बहुत से धार्मिक समुदाय या अनेक धार्मिक समुदाय रहते हैं, उन धार्मिक समुदायों के बीच और धार्मिक समुदायों के भीतर के लोगों के बीच में समानता का व्यवहार या बर्ताव अपनाए जाने के लिए जरूरी है, बराबरी का बर्ताव किए जाने कि यह कहा जाए कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सबको बराबर मानेगा, राज्य सबको समान मानेगा, कानून के सामने सब बराबर है। अब अगर विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 एक डाइसी के विधि के शासन के कानून के शासन की अवधारणा को स्पष्ट करता है और यह एक उदारवादी लोकतांत्रिक सरकारों की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, तो धर्मनिरपेक्षतावाद भी इस विशेषता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कानून के सामने अगर सब बराबर है तो कानून के सामने अनुच्छेद 14 के अनुसार अमर भी बराबर है, अकबर भी बराबर है और एंथोनी भी बराबर है।
और ये जो अमर अकबर है, की बात धार्मिक दृष्टि, धार्मिक जो उनकी पहचान है, उन उस पहचान के बगैर है। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 उदार लोकतंत्र के एक सिद्धांत को स्पष्ट करता है, विधि के शासन को स्पष्ट करता है, विधि के समक्ष समता को, कानूनी समानता को स्पष्ट करता है, और धर्मनिरपेक्षतावाद भी इससे जुड़ा हुआ है। तो व्यवहार में हम कहते हैं कि सब लोग बराबर हैं, लोगों के बीच में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, कानून के सामने सब बराबर हैं, और धर्मनिरपेक्षतावाद में जब हम ये मानते हैं तो यहाँ पर एक कनेक्शन हमें दिखाई देता है कि उदार लोकतांत्रिक जो राज्य हैं वे भी इस बात को क्या है मानते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो नागरिक समानता है, जो राज्य के लिए जो नागरिक समानता है, वह नागरिक समानता उदार लोकतांत्रिक जो राज्य रहे हैं उन राज्यों के लिए जरूरी है, और भारत में नागरिक समानता अनुच्छेद 15 में दिखाई देती है, जब ये कहा जाता है कि राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अगर बराबरी जो है, अगर बराबरी धर्मनिरपेक्षतावाद के व्यवहार का एक हिस्सा है और उदार लोकतांत्रिक भारत के लिए समानता का सिद्धांत अनुच्छेद 15 में इस बात को स्पष्ट करता है, तो अगर आप बराबरी को धर्म के क्षेत्र में हटाएंगे तो आप लोकतांत्रिक राज्य के संदर्भ में भी उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। इसलिए ये अपरिहार्य है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहां पर देखें तो बराबरी केवल धार्मिक संदर्भ में ही नहीं, राजनीतिक संदर्भ में भी बराबरी की बात भारतीय संविधान करता है, और इस दृश्य से भारतीय संविधान उदार लोकतांत्रिक राज्य के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्वीकार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 325 ये कहता है कि भारत में जो भी मतदाता सूची बनेगी उसमें कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर न तो शामिल होने के लिए पात्र होगा और न ही धर्म के आधार पर बाहर निकाले धर्म के आधार पर उसको अयोग्य ठहराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेकुलर बेसिस पर इलेक्टोरल रोल बनेंगे, 325 ये कहता है, और सेकुलर बेसिस पर इलेक्टोरल रोल बनने का मतलब क्या है कि देयर विल बी पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो उदार लोकतांत्रिक जो राज्य हैं वो राजनीतिक समानता को व्यक्त करते हैं, और राजनीतिक समानता की कोई भी धारणा ये कहती है कि चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथोनी हो, उनको चुनाव में मतदाता सूची में शामिल होने का समान अधिकार है। इस तरह से राजनीतिक समानता की कोई भी परिकल्पना, राजनीतिक समानता की कोई भी परिकल्पना अगर बेंथम के उस सूत्र से निकलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाएगा, एक से अधिक नहीं, और वह उदारवादी लोकतांत्रिक सरकारों के निर्मित में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कैसे वह धर्मनिरपेक्षतावाद से, धर्मनिरपेक्षतावाद के सिद्धांत से गहराई से कह जुड़ा हुआ है। फिर 326 जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। यहां पर भी आप देखेंगे कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है एज ए सिटीजन, सक्रिय नागरिकता के सिद्धांत के दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय जो संविधान है फिर यहां पर उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों में राजनीतिक समानता को स्वीकार करता है। दरअसल हम यहां पर यह कह सकते हैं या इस बात को हम कह सकते हैं कि जो वास्तव में समानता है, यह समानता कानूनी भी होती है, राजनीतिक भी होती है, और इसके साथ ही यह धार्मिक भी होती है। जो राजनीतिक समानता है वह आर्टिकल 325 और 326 में व्यक्त होती है। 325 में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमर हो, अकबर हो या एंथोनी हो, वह धर्म के आधार पर किसी भी मतदाता सूची में शामिल होने के लिए न तो दावा करेगा और न ही उसके आधार पर वह अयोग्य होगा। 326 जो है वह नागरिकता के या सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करता है, और यहाँ पर भी धर्म की कोई चर्चा नहीं है। फिर 14 जो है वह कानूनी समानता की बात करता है, 14
कानूनी समानता की जो बात है वह बात क्या है करता है, और 14 के इस कानूनी समानता की बात से धार्मिक समानता भी जुड़ी हुई है, और 15 इसके साथ ही 15 यह कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर राजनीतिक जीवन में उदारवाद ने प्रत्येक व्यक्ति को सामंतवाद के विरोध में जाते हुए राजनीतिक समानता की बात कही, तो बहुत गहराई से वह कानूनी और धार्मिक समानता से भी क्या है जुड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग यहां पर कोरिलेट करें तो बराबरी धर्मनिरपेक्षतावाद का एक व्यवहार का एक आयाम है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथोनी हो, अमर हिंदू, अकबर मुसलमान, एंथोनी ईसाई, इन तीनों को क्या है बराबर माना जाएगा। फिर इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षतावाद आजादी के व्यवहार को स्वीकार करता है, और आजादी का मतलब यहां पर धार्मिक आजादी भी है और नागरिक आजादी भी है और राजनीतिक आजादी भी है। नागरिक आजादियों की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है, और अनुच्छेद 19 में जो नागरिक आजादियां दी गई हैं वे नागरिक आजादियां उदारवाद के सिद्धांत को व्यक्त करती हैं, क्योंकि आजादी या स्वतंत्रता उदारवाद का एक केंद्रीय तत्व रहा है। तो 19 में जो 6 प्रकार की आजादी दी गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन का अधिकार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी संघ बनाने का, समिति बनाने का अधिकार, और इन सब के साथ ही आप ये पाएंगे कि जो नागरिक जो आजादी जो वास्तव में 19 है वह राइट टू फ्री मूवमेंट कहीं पर भी आने जाने का अधिकार, राइट टू रिजाइड एंड राइट टू सेटलमेंट आवास कहीं पर भी निवास करने का और बस जाने का अधिकार, और इसके साथ ही राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस किसी भी व्यवसाय आजीविका पेशा वृत्ति आदि को अपनाने का अधिकार। तो ये जो अधिकार हैं ये अधिकार उदारवादी लोकतांत्रिक जो सिद्धांत रहे हैं उन सिद्धांतों के तहत हैं, लेकिन जब हमारा संविधान अनुच्छेद 19 में इनको देता है तो यहां पर भी वो अमर अकबर और एंथोनी किसी में कोई भेद नहीं करता है। स्वतंत्रता उदारवाद का केंद्रीय मूल्य है, और उदारवाद का केंद्रीय मूल्य है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत समुदायों के बीच और समुदायों के भीतर के व्यक्ति की धार्मिक आजादियों को सुनिश्चित करने की बात करता है, और धार्मिक आजादियों को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक आजादियों को भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए केवल अनुच्छेद 25 में जो 4 प्रकार की आजादियां दी गई है कि आप अपने अंतःकरण को मान सकते हैं, आजादी नंबर 1, आप अपने अंतःकरण के प्रति विश्वास रख सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये जो 4 आजादियां दी गई हैं ये एक व्यक्ति की धार्मिक आजादियां हैं, लेकिन इन्हें आर्टिकल 19 से अलग नहीं किया जा सकता। तो यहां पर जो आजादी है वह धर्मनिरपेक्षतावाद का एक व्यवहार है, एक मूल्य है, एक अभ्यास का एक तरीका है, और उदारवादी लोकतांत्रिक जो भारत है उसका भविष्य इसमें से किसी भी व्यवहार या बर्ताव को समाप्त करके नहीं हो सकता, इसलिए यह अपरिहार्य है। इसके साथ ही जो उदारवादी विचारक थे, अगर हम उदारवाद की बात करें तो लॉक से उदारवाद की शुरुआत होती है, इसलिए उदार लोकतांत्रिक जो सिद्धांत रहे हैं उनमें हमेशा सहिष्णुता की बात कही गई है। सहिष्णुता का मूल्य अगर उदार लोकतांत्रिक मूल्य है और धर्मनिरपेक्षता कट्टरता और वर्चस्व को, धार्मिक कट्टरता और वर्चस्व को नकारने वाला सिद्धांत है, तो अगर आपने धर्मनिरपेक्षतावाद को स्वीकार नहीं किया तो आप एक तरह से क्या सहिष्णुता को भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम असहमत हैं, हम किसी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उसके विचारों को, उसके विश्वास को हमें वास्तव में दमन करने का कोई अधिकार नहीं है।
तो दूसरे के विचारों और विश्वासों से असहमत होते हुए भी अगर हम उसके विचार या विश्वास को स्वीकार करें तो यहां पर क्या है, हम सहिष्णु हैं। तो सहिष्णुता जो है यहां पर इससे भी क्या है, जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले आप ये दिखा देंगे कि धर्मनिरपेक्षता को अगर हम उन्मुखता और व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में देखें तो सार्वजनिक मामले में, सार्वजनिक जो मामले को धार्मिक नजरिए से देखने से अलग देखने का इसमें क्या है, निषेध होता है, और ये उन्मुखता जो है यहाँ पर देखी जाती है। दूसरी बात यहाँ पर जो है वह यह है कि धर्मनिरपेक्षतावाद जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव से मना करता है। धर्मनिरपेक्षतावाद सभी के साथ बराबरी की बात करता है, चाहे वह किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो। धर्मनिरपेक्षतावाद राजनीतिक आज़ादियों को, नागरिक आज़ादियों को और धार्मिक आज़ादियों को धर्म के आधार पर नहीं देखता है, वह इन तीनों प्रकार की आज़ादियों को देता है। और इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षतावाद समुदायों के बीच में शांति और सहिष्णुता के व्यवहार को स्वीकार करता है। और अगर हम उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को भी अगर हम ध्यान से देखें तो राज्य और नागरिक समाज के बीच में अलगाव की बात, बराबरी, राजनीतिक समानता, बिंथम के उस सूत्र में जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाएगा एक से अधिक नहीं के संदर्भ में, इसके साथ ही स्वतंत्रता के केंद्रीय तत्व के रूप में, उदार लोकतांत्रिक राज्य के सिद्धांत के रूप में सहिष्णुता को, सहिष्णुता के मूल्य को विवेक और तर्क से जोड़ने की जो लॉक और उसके बाद फिर जो जेएस मिल की जो कोशिशें रही हैं, उन सब को अगर हम देखें तो हम ये गहराई से समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षतावाद को उदार लोकतांत्रिक जो वास्तव में दृष्टिकोण है या उदार लोकतांत्रिक भारत के भविष्य से जोड़ कर ही देखा जा सकता है।